आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के अनमोल विचार के साथ। कितने अनमोल है ये सत्संग के रिश्ते, जानते नहीं किसी को लेकिन फिर भी अपने से लगते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सवाल जवाब सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न भले ही किसी एक संगत ने क्या हो, लेकिन बाबा जी द्वारा दिए गए उत्तर अनेकों संगत के मन की शंकाओं को दूर करते हैं। देखिए आज संगत ने बाबा जी से निजी जीवन भजन सिमरन को लेकर क्या क्या प्रश्न किए। ये महत्वपूर्ण अंश आरएसएस भी चैनल से ले गए। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते। पूरे वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी असल शब्द उनकी बेटा, नाम शब्द कलमा नाद वर्ड हुण ये अलग अलग लफज है उस ताकत नू बयान करन वास्ते जिन्हें सृष्टि नू बनाया है। नामो उपजे नामो बिनसे, सो ये वो ताकत है जिन्हें सृष्टि नू बनाया जिदे सहारे दुनिया चल रही है। इनू आपां क्रिएटिव पावर कह दिंदे हैं, जिन्हें सारी उत्पत्ति बनाई और जिदे बल दे उत्ते सारा कुछ चल रहा है। हुण वो साडे अंदर है, इस देही विच नाम निधान है पाईए गुर के हित अपार। सो आपां उहदी तलाश विच निकले हैं, जे सानू उहदा सहारा मिल जे। हुण जिन्ने भी अपने कोल इस वक्त ताकत है, साडी ताकत वध जे तां जिंदगी दा सामना करना आसान हो जूगा कि नहीं। और ये तो वो ताकत है जिन्हें सृष्टि नू बनाया बेटा। बाबा जी सुरन दे समय हाथ पैर सुन हुंदे लेकिन लक तो उपर चढ़ाई नहीं है। परखां विच ना पाओ बेटा, आपां नहीं देखना कि कित्थे पहुंचे हैं, की हो रहा है। आपां तां हुकम दी पालना कर रहे हैं, आपां तां महाराज जी दे हुकम नू मन के आपां भजन सिमरन करना है। और जे हुकम विच रह के करांगे उन्हां दी जिम्मेवारी है, फिर अपने आप सारा कुछ करवाणगे। बाबा जी राज स्वामी, बाबा जी कई बार इदा होंदा है कि असीं जाने अनजाने किसी का मन खा दें, साड़ी इंटेंशन नहीं होंदी कि असीं उसका मन दिखाईए, बट साडे बोलां दे कारण कई बार उन्हां दा मन दुख जांदा है। तो कि वह साडे बुरे कर्मां दा विच ऐड होंदे है, क्योंकि कितने कितने असीं उन्हां दा मन दिखाया होंदा है। बेटा जे दिखावांगे तो फिर तो बोझ सानूं चुकना पऊगा ना, किसी नूं आपां कहनूं दुख पहुँचाना है बेटा। सोच समझ के बोलीए, और ज़्यादा तौर बच्चे सब तो ज्यादा दुख अपना दिल दुखांदे अपनियां मावां दा, क्योंकि आपां नूं पता है कि मां ने कुछ बोलना नहीं, आपां बहुत कुछ कह जांदे बगैर सोचे समझे बेटा। सो इस करके बेटा हुण अगे जाके सानू भी उन्हां चीज़ां दा सामना करना पऊगा बेटा, दुनिया गोल है। बाबा जी काफ़ी टाइम तो मेरी ना फॉरन की स्टडी का एक काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी फॉरन की स्टडीज, तो उस कारण मैं काफ़ी स्ट्रैस विच भी रहिंदा सी। तो उस स्ट्रैस के चक्कर च मैं काफ़ी बार ना अपने घरदिआं नाल थोड़ा उच्चा नीवा बोल जांदा सी, गुस्से च ही रहिंदा सी, जिस कारण उन्हां दा काफ़ी बार मन दुख गया। तो मैं किस तरह इस चीज़ नूं कंट्रोल करा? हुण बेटा उन्हां दी गलती तां नहीं, ठीक है, गलती तां अपनी है ना। हुण जे नाले वक्त जिवें वक्त चल रहा हैगा, आपां नूं तां होर प्यार दे नाल उन्हां नाल वर्ताव करना चाहीदा बेटा। हुण जो हो गया अगे तो तुसी सोच समझ के चलो बेटा। बेटा माँ बाप की कदर करनी चाहिए है, ठीक है ना। मालिक तो बाद सब तो उच्चा दर्जा माँ बाप का है बेटा। हुण जे आपां उन्हां दी कदर नहीं करांगे, आपां प्यार करना कित्थों सिखांगे बेटा? अपने आप नूं प्यार नहीं कर सके तो दूजे नूं कित्थों प्यार कर लांगे? बाबा जी मेहर बनाई रखना ते नामदान दी बख्शी जी। से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।